ईद उल जुहा और बकरीद पर दिनांक 29 जून को मनाए जाने की सूचना है। विभिन्न प्रकार के बलों जिसमें सशस्त्र बल, लाठी बल और विभिन्न प्रकार महिला पुलिस सभी तरह के बल शामिल। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेपर। देखिए, ईद को लेकर पटना पुलिस अलर्ट मूड में है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र रहेगी। असामाजिक तत्वों को लेकर भी पुलिस की नज़र रहेगी। सिविल ड्रेस का अगर बात किया जाए तो पुलिस सिविल ड्रेस में भी रहेगी। मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद को पूरे धूमधाम से पटना में मनाते हैं। झांकियां निकाली जाती है जिसको लेकर किसी अनहोनी न हो जाए, जिसको लेकर पटना पुलिस अलर्ट मूड में है। एडीजी गंगवार ने साफ बताया कि पुलिस बल की तैनाती चप्पे चप्पे पर रहेगी। सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाएंगे, हर एक जगह सीसीटीवी भी लगाया जाएगा, पैनी नज़र रहेगी। और उसको लेकर जिस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जैसे मान लीजिए सब्जी बाग का एरिया हो, एनआईटी घाट का एरिया हो, पीरबहोर थाना अंतर्गत जितने भी वो इलाके हैं सभी जगह संवेदनशील मानकर वहां पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जिसको लेकर पूरी तैयारियां बिहार पुलिस ने कर ली है। एडीजी गंगवार क्या कुछ बता रहे, ज़रा वो सुनिए। देखिए, जैसा आपको पहले भी बताया था, ईद उल जुहा और बकरीद पर दिनांक 29 जून को मनाए जाने की सूचना है। उस अवसर पर सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न प्रकार के बलों जिसमें सशस्त्र बल, लाठी बल और विभिन्न प्रकार महिला पुलिस सभी तरह के बल शामिल हैं, उनकी आवश्यक प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और इस संबंध में सभी पदाधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी पर्वों की भांति ये पर्व त्यौहार भी शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के माहौल में मनाया जा सके।